हाँ जी शमशेर सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुहानू बहुत बहुत मुबारकां जी घर परतन ते बहुत लंबे समय तो बाद। ते तुसी दसो संगत नू, मतलब इन्ना लम्मा समा तुसी बुड़ैल जेल दे विच जो बिताया, वो किन्ना औखियाइयां भरा सी, केस किदां तुहाडे मतलब बड़े औखे चले, केसां च किन्नियां मुश्किलां आ रहियां सी, ते हुण तुसी जदों इन्ने लंबे समय तो बाद घर परते हो, ते की मतलब सारा कुछ वेख के किदां महसूस कीता, ये सारा दसो सानू। भाई साहब जी, भाई खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 95 तो बाद, 1995 तो बाद जदों भी असीं जेल च गए, उस तो बाद सानू बड़ियां दिक्कतां आईयां, पर उत्थे परमेश्वर ने साडे ते बड़ी कृपा करी, जिहड़ी असीं उत्थे जेल दे गुरद्वारे विच ही सेवा करदे रहे ते बाणी पढ़दे रहे, जिन्नियां भी सानू दिक्कतां आईयां, बहुत दिक्कतां आईयां, तंगियां भी आईयां जेल दे विच, वो सारियां परमेश्वर ने साडियां दुख संकट कट के सानू सुखी करता रहा। असी उस परमेश्वर के बड़े धन्यवादी हैं जिन्होंने साड़ी बहुत नेड़े होकर बांह फड़ी है। बाकी उस तो बाद हुण संगत का, बाहरली संगत का जो विदेशों में है, इंग्लैंड की, अंग्रेजा की, अमरीका की, जिन्होंने सारे ने रल मिल के हुण साड़ी रिहाई कराई है, असी उन्हां सारिआं दा बड़ा धन्यवाद हाँ। अते हुण 28 दिन की सानू जो परोल हुई है, इस दे विच असी घर भी आ के बड़े खुशी भरा हुई, सानू परिवार का देखिया मिले, परिवार को होर रिश्तेदार मिले, संगत सानू बहुत मिली, असी बड़े खुश होए। उस तो बाद असी अपने परिवार भी जो घर की हालत देखी, उस नाल देख के सानू थोड़ा जिहा पुराना पर महसूस तो नहीं होया, कुछ नवा ही सानू दिखाई दिया, जिहड़ा बड़ा जी। बाकी जो इंग्लैंड की संगत है, भाई बैस उन्होंने जो सेवा सिंघां दी कीती है, उन्होंने असं बड़े धन्यवादी हाँ। अगे वास्ते असं बेनती करते हैं कि सिंघां दी जो जेलों में हैं उन्होंने सेवा करते रहन, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन बतीत कर। वाहिगुरू जी का खालसा। अच्छा भाजी, एक गल फतेह बुलाने तो पहला असी थोड़े नाल होर दो चार गल् करनी चाहेंगे। असी हाँ जिथे जगह पर खड़े हैं जी, ये जिहड़ा घर है बहुत पुराना है, ये उस समय का घर है, ये सारा जिहड़ा कि जदों तुसी 88-85 दे विच इसे घर च मतलब इत्थे रहिंदे सीगे। हाँ जी, इस परिवार साढ़े इत्थे दोए साढ़े चाचा ते साढ़े असीं सी, पर सारा परिवार साढ़ा इसे घर विच रहिंदे सी, असीं इकट्ठे रहिंदे सी। बाकी उस तो बाद हुण इहनां दी जेल तुसीं देख रहे हो, बिल्कुल अज इहदियां मतलब छत्तां भी नहीं हैगियां, सारा घर मतलब इहदी छत जा चुकी है, समझ बिखर गया जी। उस तो बाद साढ़े तो बाद जो देख रहे तुसीं परिवार, छत्तां भी गिर गईयां इहनां दीआं। तो फिर जो आके तुसी इत्थे देखा होना, बड़ा एक गल तो मन बड़ा झटका तो लग्या, पर कई करिए परमेश्वर के हुक्म मन के इस बस महसूस कर रहे हैं।